नालासोपारा में मोटरसाइकिल पर सवार होकर महिलाओं के सोने के दागिने खींचने वाले गिरोह के दो सदस्य को तुलिंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 3 लाख के खींचे हुए दागिने भी पुलिस ने बरामद किए हैं। यह कोई साधारण आरोपी नहीं है, चैन स्नैचिंग करने वाला यह गिरोह है जिसने मुंबई, पालघर और थाने के कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस गिरोह का मुखिया है समत उर्फ श्याम शमसुल्लाह हक पठान। इसका साथीदार है आमिर उर्फ अम्मू उस्मान खान पठान, जिनकी खासियत है कि मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद उन्हें पकड़ना मुश्किल है। इनके ऊपर मानिकपुर पुलिस ने भी 2 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें ये फरार थे। मुखबिर की खबर पर पुलिस के हाथ यह दागिने छीनने वाले गैंग के सदस्य हाथ लगे हैं। इसको इनके पास से मोटरसाइकिल भी मिली है, जिसके बारे में पुलिस अब छानबीन कर रही है। इनके ऊपर और भी मामले हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि यह मोटरसाइकिल भी चोरी की गई है। पेश है हमारे संवाददाता बसंत अग्रहरी की एक रिपोर्ट। ये 15 दिन में दूसरी ऐसी वारदात है जो आपकी डिटेक्शन ब्रांच के टीम ने। हाँ, पहले इससे पहले भी हम लोगों ने 12 ऑफेंसेस ओपन किए थे। अभी ये 5 ऑफेंसेस ओपन हुए। हमारे डिटेक्शन जो स्टाफ है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें ये कुछ गाड़ी वाड़ी भी मिला हुआ है? हाँ, इसका बाइक भी इसमें जब्त किया है। कितनी गाड़ी है सर? एक गाड़ी है, उस गाड़ी है उसका, जो गाड़ी वो इस्तेमाल करते थे पल्सर, उसमें हम जब्त किया है। सर, क्या गाड़ी का कागज पत्र बराबर है क्या, चोरी का होगी? वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग।